एबे देखो क्वेश्चन नंबर 21 नो प्रश्न अच्छी जे दुईटी वृत्तर व्यासर अनुपात 4:5 जदि प्रथम वृत्तर क्षेत्रफल 352 वर्ग सेंटीमीटर हुए तबे द्वितीय वृत्तर क्षेत्रफल निर्णय कर बुझीला। तो देखो दुईटी वृत्तर व्यासर अनुपात आमको दि जाइए 4:5। प्रथम आम दुईटी वृत्तर चित्र अंकन करवा, लक्ष्य कर ये हूँ सान वृत्त आउ ये हूँ आमर बड़ वृत्त बुझीला। एम व्यासर अनुपात हो 4:5। देख ए बी हो प्रथम वृत्तर व्यास, ओ हे केन्द्र, ओ वन नहीं जाओ ओ वन केन्द्र से भाया। देख द्वितीय वृत्तर ओ टू हो केन्द्र एवं सी डी हो व्यास बुझीला। कह जाए व्यासर अनुपात हो 4:5। मनेकर प्रथम वृत्तर व्यासर दैर्घ्य हो डी सेंटीमीटर एवं द्वितीय वृत्तर व्यासर दैर्घ्य हो कैपिटल डी सेंटीमीटर बुझीला ना। तो एमानंकर व्यासर अनुपात हो 4:5। तो स्मॉल डी सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय कैपिटल डी सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4:5 बुझीला। वर्तमान आम कौन करवा डी इज इक्वल टू 2R लिखिदबा। देख ये सान वृत्त अच्छी यार व्यासार्धर दैर्घ्य को आर सेंटीमीटर धर आर बुझिपार रेडियस बुझीला। तो छोट वृत्तर व्यासार्ध हो सान आर सेंटीमीटर एवं बड़ वृत्तर व्यासार्ध हे बड़ आर सेंटीमीटर बुझीला। देख ये स्मॉल डी अच्छी या जगह लेख 2r हाँ कि ना। अरे व्यास केमी बाहर 2 × व्यासार्ध डिवाइडेड बाय कैपिटल डी जगह लेख 2 × R बुझीला इज इक्वल टू 4/5 बुझीला ना। प्रश्न जहाँ कहुच्छे आम से कथा करुचे कहुच्छे वृत्तद्वयर व्यासर अनुपात हो 4:5। तो देख ये सान वृत्त अच्छी यार व्यास हो 2r सेंटीमीटर एवं ये बड़ वृत्त अच्छी यार व्यास हो 2r सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4:5 बा 4/5 बुझीला। तो देख उभय लब आउ हर रु 2 को आम कैनसल करदे पारा। तो आम पाइबा स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू 4/5। यार अर्थ है दुई वृत्तर व्यासार्धर अनुपात 4:5 हम बुझीला। तो देख प्रश्न आग को कहुच्छी जे प्रथम वृत्तर क्षेत्रफल हो 352 वर्ग सेंटीमीटर। प्रथम वृत्तर क्षेत्रफल केते 352 वर्ग सेंटीमीटर। आमको ये द्वितीय वृत्तर क्षेत्रफल बाहर करने पड़ो। तुम्हें जान वृत्तर क्षेत्रफल सूत्र कौन बिल्कुल ठीक पाए आर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर बुझीला। तो गोटे काम करवा उभय पार्श्वर स्क्वायर नहीं जा। तो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर रो स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5 रो स्क्वायर ही जीवो। आमे पाइबा स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रो स्क्वायर 16 5 रो स्क्वायर 25 बुझीला। तो देख व्यासार्ध द्वयर वर्गानुपात बाहर 16:25 बुझीला। एबे आमे कौन करिबा ना उभय लब आउ हर रे पाए को गुणन करदबा। देख आमे लिखिबा पाए स्मॉल आर रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाए कैपिटल आर रो स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25 बुझीला ना। तो आमे कौन कलु ना उभय लब आउ हर रे पाए को गुणन करदेलु। तो लक्ष्य कर ये जो पाए स्मॉल आर रो स्क्वायर ये हूँ प्रथम वृत्तर क्षेत्रफल सूत्र बुझीला ना। कहीं ना प्रथम वृत्तर व्यासार्ध हो स्मॉल आर सेंटीमीटर तेणु यार क्षेत्रफल हो पाए स्मॉल आर रो स्क्वायर। तो लिखिबा जे प्रथम वृत्तर क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय देखो पाए बड़ आर रो स्क्वायर ये हूँ द्वितीय वृत्तर क्षेत्रफल बाहर करार सूत्र लेख द्वितीय वृत्तर क्षेत्रफल समान 16:25 बुझीला ना। वर्तमान देख प्रथम वृत्तर क्षेत्रफल आमको दि जाए 352 वर्ग सेंटीमीटर। लेख प्रथम वृत्तर क्षेत्रफल जगह लेख 352 वर्ग सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय द्वितीय वृत्तर क्षेत्रफल। द्वितीय वृत्तर क्षेत्रफल आमे पाइबा 16/25 बुझीला। वर्तमान वज्र गुणन कर 25 रे गुणीबा 352 आउ 16 रे गुणीबा द्वितीय वृत्तर क्षेत्रफल बुझीला। मझीरे रहिबो समान वज्र गुणन लेख 16 × द्वितीय वृत्तर क्षेत्रफल। द्वितीय वृत्तर क्षेत्रफल
समान 352 गुणन 25 352 गुणन 25 बुझीगला। वर्तमान देख ये जो 16 अच्छी पाखे गुणन होकू गले कौन हरण होना तो आम पाइबा द्वितीय वृत्तर क्षेत्रफल समान द्वितीय वृत्तर क्षेत्रफल समान 352 गुणन 25 डिवाइडेड बाय 16 बुझीगला। तो 16 रे काट 352 को केते पाइबा देख 16 दुणे ही जीव 32 16 दुणे 32 22 तो 22 गुणन 25 लेख द्वितीय वृत्तर क्षेत्रफल समान द्वितीय वृत्तर क्षेत्रफल समान 22 गुणन 25 वर्ग सेंटीमीटर केते आसीबो तुम निजे कह 25 रे 22 गुणिले गुणफल केते आसीबो 550 वर्ग सेंटीमीटर बुझीला। अर्थात ये द्वितीय वृत्तर क्षेत्रफल होउची 550 वर्ग सेंटीमीटर बुझीला। तो एथि सहित क्वेश्चन नंबर 21 नो समाधान सरीगला। वर्तमान देखिवा क्वेश्चन नंबर 22 रो प्रश्न कौन अछि। वर्तमान क्वेश्चन नंबर 22 रो प्रश्न अछि जे एक वृत्तांतर लिखित समबाहु त्रिभुजर बाहुर दैर्घ्य 14√3 सेंटीमीटर तेबे वृत्तर क्षेत्रफल केते। तो आमे प्रथमे कौन करिबा ना गोटे वृत्तांतर लिखित समबाहु त्रिभुजर चित्र अंकन करिबा। देखो ये हूँ आमर गोटे वृत्त ये वृत्त मध्य एक समबाहु त्रिभुज अंतर्लिखित होइछि वृत्तर केन्द्रर नामकरण कर ओ। एबे देख ये हूँ आमर समबाहु त्रिभुज त्रिभुजर नामकरण कर ए बी सी त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज होउची एक वृत्तांतर लिखित समबाहु त्रिभुज जहाँ कि प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य होउची 14√3 सेंटीमीटर बुझीला। ओ होउची त्रिभुज ए बी सी रो परिवृत्तर केन्द्र बुझीला। तो एठारे आमे ए डी उच्चता अंकन करिबा जहाँ कि वृत्तर केन्द्र ओ बिंदुगामी हेबो बुझीला। ए डी होउची त्रिभुज ए बी सी रो उच्चता बुझीला। चलो वर्तमान आम कौन करवा त्रिभुज ए बी सी उच्चतार दैर्घ्य बाहर करवा आमको बाहुर दैर्घ्य दि जाए 14√3 सेंटीमीटर लेख त्रिभुज ए बी सी एक वृत्तांतर लिखित समबाहु त्रिभुज यार प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य होउची मात्र 14√3 सेंटीमीटर तेबे एहार उच्चता केमती बाहर उच्चता इज इक्वाल टू ए डी इज इक्वाल टू उच्चता बाहर करिवार सूत्र जानिच समबाहु त्रिभुजर बाहु दत्त थिले उच्चता केमती बाहर रूट थ्री बै टू इंटू बाहु बुझीला। तो लेख रूट थ्री बै टू इंटू बाहु बाहु जगह लेख 14√3 सेंटीमीटर। वर्तमान देख दुई रे 14 कटिजी 2 × 7 = 14 रूट थ्री रे रूट थ्री गुणिले आम पाइबा 3 तो 7 × 3 सेंटीमीटर 7 × 3 = 21 सेंटीमीटर बुझीला। तो देख ये एडी उच्चता अच्छी यार दैर्घ्य होउची 21 सेंटीमीटर बुझीला। तो देख ओ होउची त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुजर परिवृत्तर केन्द्र तेणु आम जानू एओ अनुपात ओडी इज इक्वाल टू 2:1 एओ अनुपात ओडी इज इक्वाल टू 2:1 लेख जेहेतु त्रिभुज ए बी सी एक वृत्तांतर लिखित समबाहु त्रिभुज एवं ओ त्रिभुज ए बी सी रो परिवृत्तर केन्द्र अतएव आम लिखिदेई पारिबा एओ डिवाइडेड बाय ओडी इज इक्वाल टू 2:1 बुझीला। वर्तमान आम कौन करवा ना देख ये भग्नांश अच्छी यहाँ ओल्टई दबा एओ बाय ओडी है जीवो ओडी बाय एओ इज इक्वाल टू 2:1 है जीवो 1/2 बुझीला। वर्तमान आम कौन करवा ना उभय पार्श्वर 1 जोग करवा उभय पार्श्वर 1 जोग कर ओडी बाय एओ प्लस 1 इज इक्वाल टू 1/2 प्लस 1 तले आमर लसागु आसीबो एओ उपरे चल जीवो ओडी प्लस एओ इज इक्वाल टू 1 रे जदि आमे अधा मिसेबा आमे पाइबा 1.5 माने 3/2 बुझीला ना 3 रो अधा केते हबो 1.5 हबो ना 1/1/2 बुझीला 1/1/2 को जदि आमे अप्रकृत भग्नांश रे परिणत करिबा ता हेबो 3/2 बुझीला। तो देखो ओडी प्लस एओ केते हि जीवो
एडी है जीवो ना ओडी रे एओ मिसेले केते हेबो एडी है जीवो लेखो एठी एडी डिवाइडेड बाय एओ इज इक्वल टू 3/2 एबे एडी जगह रे हमें केते लिखि देई परबा एडी जगह रे हमें केते लिखि परबा 21 सेंटीमीटर लेखो 21/AO इज इक्वल टू 3/2 वर्तमान हमें कौन करबा ना वज्र गुणन करबा 21 रे 2 गुणीबा एओ रे 3 गुणीबा लेखो एओ गुणन 3 समान 21 गुणन 2 3टा आर पाकु गले हरण हे जीवो आमे पाइबा एओ इज इक्वल टू 21 गुणन 2/3 3 ने काटो 21 को 3 सत्ता 21 7 14 तो आमे पाइबा एओ इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर बुझियाला तो लक्ष्य कर एओ आउ किछि नुहे एओ हेउची वृत्तर व्यासार्ध एओ कोण वृत्तर व्यासार्ध बुझियाला ना जहार दर्घ्य आमे पाइगलु 14 सेंटीमीटर वर्तमान आमे कोण करबा ना वृत्तर क्षेत्रफल बाहर करबा देखो वृत्तर व्यासार्धर दर्घ्य त आमे पाइ जाइचु आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर वर्तमान वृत्तर क्षेत्रफल बाहर करबा किछि बड़ कथा नुहे काहेकि ना वृत्तर क्षेत्रफल सूत्र हेउची पाई आर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर लेखो वृत्तर क्षेत्रफल समान पाई आर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर पाई जगह 22 विभक्त 7 लिखिबा आर स्क्वायर जगह लिखिबा आर हुचे एठारे एओ 14 स्क्वायर माने 14 गुणन 14 वर्ग सेंटीमीटर तो आम 14 को 7 रे काटि दबा 7 दुणे हबो 14 14 दुणे 28 गुणन 22 22 गुणन 28 वर्ग सेंटीमीटर गुणन करो देखो केते 616 आसीबो लेखो 616 वर्ग सेंटीमीटर बुझियाला तो एठारे वृत्तर क्षेत्रफल केते आसीबो 616 वर्ग सेंटीमीटर वर्तमान क्वेश्चन नंबर 23 रो प्रश्न अछि जे गोटिए समबाहु त्रिभुजर अंतःवृत्तर क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर हेले त्रिभुजर परिसीमा निर्णय कर बुझियाला तो प्रश्नटी को भल भाव बुझिया पई आमे गोटे समबाहु त्रिभुजर चित्र अंकन करबा एवं ताहा मध्यरे एक वृत्त को अंतर्लिखन करबा बुझियाला ना चलो वर्तमान देखो ये हूँ आमर गोटे समबाहु त्रिभुज यार नामकरण करबा त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी मध्य एक वृत्त अंतर्लिखित हो तो देख ये आमर वृत्त बुझेला तो यार उच्चता तुम्हें अंकन कर एडी बुझेला एडी है त्रिभुज ए बी सी रो उच्चता एवं वृत्तर केन्द्र ओ बुझेला तो देखो ओडी हेउची वृत्तर व्यासार्ध ओडी वृत्तर व्यासार्ध बुझियाला तुम्हे पूर्वरु जानिचो जे एओ अनुपात ओडी इज इक्वल टू 2:1 बुझियाला ना एओ आउ ओडी रो अनुपात केते 2:1 आमको वृत्तर क्षेत्रफल दिया जाइची 154 वर्ग मीटर 154 वर्ग मीटर मने कर वृत्तर व्यासार्ध समान ओडी इज इक्वल टू आर मीटर वर्तमान ये जो वृत्त अच्छी यार क्षेत्रफल केते आसीबो पाई आर स्क्वायर वर्ग मीटर बुझेला ना लेखो प्रश्नानुसारे कहा जाइछि जे वृत्तर क्षेत्रफल हेउची 154 वर्ग मीटर माने पाई आर स्क्वायर वर्ग मीटर इज इक्वल टू 154 वर्ग मीटर वर्तमान उभय पार्श्वरु वर्ग मीटर को कैंसिल कर दियो तुम्हें पाइब पाए आर स्क्वायर इज इक्वाल टू 154 पाए जगह लिखा 22 विभक्त 7 गुणन आर स्क्वायर इज इक्वाल टू 154 वर्तमान 22 विभक्त 7 को आर पाक को फिंगी दियो केते पाइबा ना आर स्क्वायर इज इक्वाल टू 154 गुणन 7 विभक्त 22 7 ऊपर को पलेब 22 तल को पलेब बुझियाला ना तो 22 रे काटो केते पाइबा आमे 22 के पणिकरे कोटी 154 अछि 22 सत्ता 22 सत्ता 154 की 22 गुणन 7 7 × 14 4 बस 1 7 × 14 = 15 ठीक अच्छे 22 सत्ता तो आम पाइबा आर स्क्वायर इज इक्वाल टू 7 × 7 आर इज इक्वाल टू रूट ओवर ऑफ 7 × 7 दुटा 7 रु गोटे 7 को बाहर को नहीं आस आम पाइबा आर इज इक्वाल टू 7 मीटर बुझेला तो वृत्तर व्यासार्धर दर्घ्य हेउची 7 मीटर बुझेला देखो आमे पूर्वरु जानिचु एओ अनुपात ओडी इज इक्वल टू 2:1 लेखो एओ अनुपात ओडी इज इक्वल टू 2:1 भग्नांश माध्यम रे लिखिले एओ बाय ओडी इज इक्वल टू 2:1 ओडी जगह रे आमे लिखि परबा 7
तो एओ बाई सात इज इक्वल टू दुई अनुपात एक दुई बाई एक दुई सहित सामान सात दुणे के चौदह तो आम पाइबा एओ इज इक्वल टू चौदह मीटर बुझेगा एओ आम पाइलु चौदह मीटर एवं ओडीर दैर्घ्य आमको दि जाइए सात मीटर बर्तमान ये त्रिभुज ए बी सी अच्छी यार उच्चता एडीर दैर्घ्य के आसो ना एओ प्लस ओडी माने चौदह युक्त सात माने एक मीटर आसो बुझेगा ना लेख त्रिभुज ए बी सी रो उच्चता समान एडी इज इक्वल टू एओ प्लस ओडी माने चौदह मीटर युक्त सात मीटर आम पाइबा एक मीटर बुझेगा बर्तमान आम कौन करवा त्रिभुज ए बी सी प्रत्येक बाहूर दैर्घ्य बाहर करवा आम जाचु समबाहु त्रिभुज बाहूर दैर्घ्य समान टू बै रुट थ्री गुणन उच्चता बुझेगा टू बै रुट थ्री जदि आम उच्चतार दैर्घ्य को गुणन करवा गुणफल हे आम समबाहु त्रिभुज प्रत्येक सामान बाहूर दैर्घ्य बुझेगा लेख ए बी सी समबाहु त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज प्रत्येक बाहूर दैर्घ्य समान टू बाई रुट थ्री गुणन उच्चता उच्चता जगह लेख एक मीटर बर्तमान एक मीटर को आम लिखिदार सात गुणन तीन सात गुणन तीन बुझेगा ना हलानी अरे एक जगह आम सात गुणन तीन लिखिपरानी कि तो रुट थ्री काट थ्री को आम पाइबा रुट थ्री गुणन रुट थ्री समान थ्री एवं देख सतुणे चौदह रुट थ्री तो प्रत्येक बाहूर दैर्घ्य आम पाइबा चौदह रुट थ्री मीटर बुझेगा तो समबाहु त्रिभुज प्रत्येक बाहूर दैर्घ्य के चौदह रुट थ्री मीटर ये भी चौदह रुट थ्री मीटर आउ ये भी चौदह रुट थ्री मीटर बर्तमान कहुच्छे समबाहु त्रिभुज परिसीमा बाहर कर समबाहु त्रिभुज परिसीमा बाहर कर परिसीमा केमती बाहर तीन टा बाहूर दैर्घ्यर जोगफल तीन गुणन गोटे बाहूर दैर्घ्य बुझेगा ना हलानी सबुटा बाहूर दैर्घ्य तो सामान तो चौदह रुट थ्री चौदह रुट थ्री आउ चौदह रुट थ्री को मिसई दि बा तीन गुणन चौदह रुट थ्री कर दियो चौदह तीन बयालीस रुट थ्री मीटर आसो बुझेगा ना लेख अतएव त्रिभुजर परिसीमा त्रिभुजर परिसीमा समान तीन गुणन बाहू माने चौदह रुट थ्री मीटर अर्थात चौदह तीन बयालीस रुट थ्री मीटर बुझेगा तो एथि सहित आमर क्वेश्चन नंबर 23 रो समाधान हो जाइए बर्तमान देखा क्वेश्चन नंबर 24 रो प्रश्न कौन अच्छी बर्तमान क्वेश्चन नंबर 24 रो प्रश्न अच्छी जे गोटे वृत्तरे गोटे वृत्तकलार चापर दैर्घ्य अन्य एक चापर दैर्घ्यर तीन गुण प्रथमटीर क्षेत्रफल नौ वर्ग सेंटीमीटर हेले द्वितीय वृत्तकलार क्षेत्रफल केते तो गोटे वृत्तर चित्र अंकन करिबा आउ ता भितरे दुईटा चापर दैर्घ्य आम देखेबा बुझेला ना जेमती कि गोटे चापर दैर्घ्य अन्य एक चापर दैर्घ्यर तीन गुण हेइतिबो बुझेला चलो बर्तमान लक्ष्य कर ये हूँ आम गोटे वृत्त ए वृत्तर केन्द्र ओ बुझेला तो प्रथम देख ये आम गोटे बड़ वृत्तकला आउ एपाखे अच्छे गोटे छोटिया वृत्तकला बुझेगा तो देखो ये जो चाप अच्छी ना यही चापर दैर्घ्यर तीन गुण दैर्घ्य विशिष्ट चाप हूँ ये बुझेगा जदि ये हम एल मीटर मीटर कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो ये हूँ एल सेंटीमीटर एटा हम आमर थ्री एल सेंटीमीटर बुझेगा ना तो देख प्रश्न कहुच जे गोटे वृत्तर गोटे वृत्तकलार चापर दैर्घ्य अन्य एक चापर दैर्घ्यर तीन गुण बुझेगा गोटे चापर दैर्घ्य अन्य एक चापर दैर्घ्यर तीन गुण तो ये हूँ आम प्रथम वृत्तकला आए हूँ आम द्वितीय वृत्तकला बुझेगा ना गोटे वृत्तर गोटे चापर दैर्घ्य अन्य एक चापर दैर्घ्यर तीन गुण बुझेगा तापर कौन कहुच्छे ना प्रथमटीर क्षेत्रफल नौ वर्ग सेंटीमीटर तो ये जो वृत्तकला अच्छी वृत्तकलार क्षेत्रफल हो नौ वर्ग सेंटीमीटर बुझेगा तो द्वितीय वृत्तकलार क्षेत्रफल केते हेबो बुझेगा तो वर्तमान प्रथम वृत्तकलार क्षेत्रफल केमती बाहर जदि वृत्तर व्यासार्धर दैर्घ्य आर सेंटीमीटर हुए तेबे प्रथम वृत्तकलार क्षेत्रफल केमती बाहर बिल्कुल ठीक लेख प्रथम वृत्तकलार
क्षेत्रफल समान देख वृत्तकार क्षेत्रफल बाहर करार दुईट सूत्र अच्छी कौन कौन ना प्रथम सूत्र हो हाफ इंटू एल इंटु आर द्वितीय सूत्र होटा बै 360 डिग्री इंटु पाए आर स्क्वयर तो यार थीटा तो दि जाए थीटा दि जाइए कि दि जाए तो प्रथम सूत्र पकेबा हाफ इंटु एल इंटु आर तो प्रथम वृत्तकार क्षेत्रफल बाहर हाफ इंटु एल इंटु आर बुझीला एल जगार लिखा थ्री एल चापर दर्घ्य अच्छे थ्री एल बुझीला ना तो लेख हाफ इंटु थ्री एल इंटु आर वर्ग सेंटीमीटर बुझीला किंतु प्रथम वृत्तकार क्षेत्रफल पूर्व ही दि जाए नौ वर्ग सेंटीमीटर लेख नौ वर्ग सेंटीमीटर समान हाफ इंटु थ्री एल इंटु आर बुझीला बाकु आम एमती लिखिपर तीन को एपाक नहीं आस आम पाइबा नौ बै तीन वर्ग सेंटीमीटर समान हाफ इंटु एल इंटु आर बुझीला तो तीन ने काट दियो तीन तीन नौ आम पाइबा तीन वर्ग सेंटीमीटर समान हाफ इंटु एल इंटु आर बर्तमान लक्ष्य कर हाफ इंटु एल इंटु आर एटा क्यों वृत्तकार क्षेत्रफल सूत्र ये द्वितीय वृत्तकार क्षेत्रफल सूत्र कहीं द्वितीय वृत्तकार चापर दर्घ्य हो एल सेंटीमीटर और व्यासार्धर दर्घ्य हो आर सेंटीमीटर तेणु हाफ इंटु एल इंटु आर हो द्वितीय वृत्तकार क्षेत्रफल बुझीला तो लेख तीन वर्ग सेंटीमीटर समान द्वितीय वृत्तकार क्षेत्रफल द्वितीय वृत्तकार क्षेत्रफल बास यही कथा ही आमको मागी प्रश्न बाहर करने कहला आम बाहर करदेचु जो द्वितीय वृत्तकार क्षेत्रफल होन वर्ग सेंटीमीटर बुझीला चलो एथस क्वेश्चन नंबर 24 समाधान सरी जा आज क्लास को आम ये रखा धन्यवाद।